कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत में श्री धाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर हम उपस्थित हुए हैं, ये स्थान का नाम टेर कदम। यह स्थान गुरुदेव का अत्यंत अत्यंत प्रिय है। जो गुरुदेव रहते समय गुरुदेव भले ही ब्रजमंडल में कहीं ना कहीं स्थान को निमंत्रण करे नहीं करे, लेकिन हर व्यक्ति को गुरुदेव कहते थे जरूर ये टेर कदम में आना है। गुरुदेव सबको कहते थे जरूर ये टेर कदम में जरूर आना। गुरु जी का अत्यंत अत्यंत प्रिय स्थली है। इसलिए आप लोग श्री तीर्थ महाराज से सुने हैं, ये नंदगांव साधारण स्थान नहीं, ये महाविरह का स्थान है, जहाँ पर ये उद्धव जी की उद्धव क्यारी पास में है, जहाँ पर उद्धव जी राधा रानी की जब प्रेम वैचित्रता को दर्शन करते हुए, जहाँ पर संजल्प अभिजल्प विजल्प अनुजल्प जिस चीज को दर्शन करते हुए, जहाँ पर उन्होंने राधा रानी की चरण की एक धूल को उन्होंने प्रार्थना किया है, इसलिए यहीं पर श्री रूप गोस्वामी भजन करते थे। क्योंकि गुरुदेव उनका जो नित्य लीला में श्री रमण मंजरी, इसलिए रमण मंजरी बने का नाते बोले जब तक श्री रूपानुगत्व को स्वीकार नहीं किया जाए तब तक राधा रानी की जो सेवा में जीव का प्रवेश अधिकार नहीं होता है। इसलिए हमारे जितने गोस्वामी हुए हैं सबके सब श्री रूपानुगत्व की लास्ट में रूपानुगत्व की सबके सब प्रार्थना की है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं बोले रूप रघुनाथ पदे हाई बे अकोते कवे हम बोझ बसे जुगल पीरेते। रूप रघुनाथ पदे रहुक मोर आस प्रार्थना कराए सदा नरोत्तम दास। श्री भक्तिविनोद ठाकुर वो भी यही कहते हैं सुनिया छि साधु मोखे बोले सर्व जन श्री रूप कृपाए मिले जुगल चरण। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो कस्तूरी मंजरी ले रूप रघुनाथ पते रघुमर आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। जितने सारे हमारे गौड़ीय वैष्णव सबके सब श्री रूप गोस्वामी की चरण की ये सबके सब वंदना की है। इसलिए गुरुदेव जब यहीं पर आते थे गुरुदेव बोले जम कल रूप शरीर ना धारत, ये कीर्तन को गुरुदेव जरूर कराया करते थे। जिस कृष्णदास कमाल प्रभु ये सब ये कीर्तन को यहीं पर गाते थे और गुरुपाद पद्म केवल इसी कीर्तन को गुरुदेव व्याख्या करते थे रूप गोस्वामी का क्या वैशिष्टता है। अगर इसी जगत में श्री रूप गोस्वामी अगर नहीं आते तो राधा कृष्ण का प्रेम को जो कोठरी को मतलब जो प्रेम एक स्थान में था लेकिन उसका दो दरवाजा को कौन खोलते। इसलिए गुरुदेव कहते थे उसमें विशेष करके दो दरवाजा उसमें था। बोले क्या दो दरवाजा है, बोले एक है श्री भक्ति रसामृत सिंधु, दूसरा है श्री उज्जल निर्मणि। श्री रूप गोस्वामी ने जो ये दो ग्रंथ को उन्होंने लिखे हैं वो अद्भुत ग्रंथ लिखे हैं। इसलिए अगर रूप गोस्वामी इसी जगत में नहीं आते बोले नीर खीर हंसन, इसलिए जब तक हंस नहीं होता है वो दूध को ग्रहण नहीं कर सकता है। इसलिए गुरुदेव कहते थे जब भी भक्ति भक्ति है लेकिन ये भक्ति को रस रूप में जो परिवर्तन किसने किया है बोले श्री रूप गोस्वामी ने ही किए है। अगर ये नहीं आते तो ये मथुरा वृंदावन को कौन जानते। साधारण रूप में मथुरा वृंदावन को तो प्रकाशित किया लेकिन साधारण रूप में सबका जो भक्ति तो भक्ति है लेकिन ऐश्वर्यमय भक्ति किसको कहते हैं, माधुर्यमय भक्ति किसको कहते हैं, स्वरूप सिद्धा और संग सिद्धा और सब ये सब भक्ति जो अलग आरोप सिद्धा ये जो भक्ति है गुणी भूता ये सब भक्ति को बाहर में कौन बताते। कहते सुंदर फूल है लेकिन ये फूल को लेकर एक माला बना करके श्री राधा गोविंद को गला में जो पहनाना ये जो दिव्य चीज रूप गोस्वामी अगर नहीं होते तो ये काम को जगत में कौन करते।
गुरुदेव इतने सुंदर वो भजन को यहीं पर बैठ कर गुरुदेव बड़े सुंदर रूप में व्याख्या करते थे। इसलिए ये स्थान गुरुदेव का अत्यंत अत्यंत ये प्रिय स्थान श्री गुरुपाद पद्म का, जिसलिए कहते हैं श्री चैतन्य मन अभिष्टम स्थापितम जेन भूतले स्वयं रूप गदा मध्यम ददाति स्वपदांतिकम। अगर श्री रूप गोस्वामी नहीं आते, महाप्रभु कौन जगत में क्यों आए, उनकी जो महाबदन्यता महाप्रभु का जिनको नम महाबदन्य बोल कर रूप गोस्वामी बोले, ये महाबदन्यता क्या है, वो ब्रज प्रेम किया है, सो किया पर किया किया है, पर किया में जो अलग अलग जो भावना जो मंजरी वो क्या चीज है, बोले भैया कोई नहीं जानते। इसलिए इनका नाम महाप्रभु ने क्या नाम रखा, इनका नाम रखा है रूप। बोले रूप मतलब क्या है, इसलिए बोले प्रिय स्वरूप दैत्य स्वरूप प्रेम स्वरूपे निजान रूपे ततान रूपे स्विलास रूपे, वहां पर रूप के उन्होंने झरी लगा दिए। बोले किस चीज के रूप है, बोले श्री राधा जी के रूप है, कृष्ण जी का भी रूप है, श्री स्वरूप दामोदर का रूप, रघु सबका रूप श्री रूप है। इसलिए गुरुदेव कहते थे श्री मन चैतन्य महाप्रभु उन्होंने चाबी काठी सबके नहीं दिया। बोले चाबी काठी अगर पिताजी का बड़ा बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन चाबी काठी किसको देते हैं, वो सबके नहीं देते हैं चाबी काठी, जो समझदार हो ये बिजनेस जो बढ़ा सकते हैं उनको देते हैं, जो समर्थ और जो अधिकारी है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ये रूप गोस्वामी को ही रूप शिक्षा रूप में प्रयाग में उन्होंने ये रूप गोस्वामी को उन्होंने ये चाबी काठी दी है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी का यहाँ भजन स्थली है यहीं पर। हाँ हाँ हरे कृष्ण आज हैला गोपाष्टमी, गोपाष्टमी अर्थ हैला कृष्ण जितेबेले वृंदावन पाखेर से गोटे छठी घर अच्छी जितेबेले कृष्ण टिके बड़ पिला भेले थरे पिता माता नंद बाबा को कृष्ण कहले बोले आपण बुढ़ा हो गलनी आमे तंबर पुओ यदि पुओ माने बड़ा हो गलनु आमे अब एना आपण समस्त गोचारण करछंती एटा भल लागुनी अतः आमे बलदेव एवं मु आमे दी जण आमे गुरु चरिया पई चाहुचु। बोले कृष्ण गुरु चरिया पई काहु चाहुचंती, बोले घरे रहिकिर देसिय सख्य रस्य पात्सल रस को आस्वादन करिले किंतु एने से श्रृंगार रस को आस्वादन करिया पई चाहुचंती। बोले घरे रहिले आमे माने से श्रृंगार रस माने गोपी मान को सांगरे जे लीला को से लीला को आस्वादन करि परिबेनि, तेनु से बाबा को पाखरे से कहिले आमे गुरु चरिबु। नंद बाबा केला आमे घरे